वेलकम बैक टू माय चैनल अल्फा गर्ल्स। अभी मैं हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ। और जैसे कि आपको पता है, हमने थोड़े ये बताया था कि हमारा कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो पूरा समर वेकेशन बोर हो गए, तो बहुत दुख हो रहा है, पर हाँ एक ड्रीम पूरा हो गया मेरा। बोर होने के बाद आपको खुद का खुश होना चाहिए कि रोना चाहिए? इसको इसका बेडरूम मिल गया, कमरा मिल गया, खुशी कैसे है? दिखे तो है नहीं कहीं। पूरे 3 साल बाद मिनते कर करके पैर पकड़ पकड़ के मिला मुझे। हाँ, जो इसके रूम की थीम है भी पर्पल वाइट, तो इसने ड्रेस पहन रखी है वाइट और पर्पल, तो अच्छी लग रही है। तो इसने अपनी एक्सेसरी कुछ वालों में पर्पल ही लगा रखी है, ये देखना अच्छी लग रही है। तो चलो करवाती है ये अपना रूम टूर आज, तो देखते हैं। पहले तो मेरा दरवाजा जो व्हाइट पर जो व्हाइट पर्पल में और ये व्हाइट है, चलो अंदर चले। बिल्कुल चले, बाहर गर्मी अंदर से चल रहा है अभी। सबसे पहले ये वाली वॉल इधर है, मेरे कुछ गोल्डन प्लस व्हाइट पर्दे कर्टन्स, सो ये मेरी अलमीरा से मैचिंग है। आ जाओ आपको मैं, पहले तो मैं अलमीरा दिखाती हूँ। ये रही मेरी अलमीरा, ये इसके रूम की अलमीरा भी पहले भी दिखाई है थोड़ी थोड़ी, ये गोल्डन और वाइट टच में प्रॉपर बनी हुई है। अल्युमिनियम की स्टोरेज के लिए जी, ये स्टोरेज के लिए, और जैसे डेली यूज वाली चादरें होगी, हाँ, कंबल हो गए, स्टेशनरी आइटम्स होगी, हाँ, और ऊपर है सूटकेस वगैरह, रजाई वगैरह रखने के लिए। ये अलमीरा भी 11x6 की, सॉरी गलती हो गई है, ये 11 फीट लंबाई है और आई थिंक 7.5 फीट चौड़ाई है इसकी, तो इसमें 3 अलमीरा निकली है भाई। तो एक इधर होगी, इसमें पार्टीशन है, इसने हमने छोटे छोटे पार्टीशन करवाए हैं जिसमें मतलब ड्रेसे अच्छे से जो टी शर्ट पैंट्स वगैरह टिक सकती है डेली यूज वाली। ये दो बड़ी वाली अलमीरा इधर है मम्मी और नहीं मेरी नहीं है, मेरा सामान यहाँ से निकल जाएगा। ये दोनों का ही बेडरूम है, तो इधर है ये गुरमन की, इसमें गुरमन के हाँ कपड़े भर रखे हैं, तो किसी दिन फिर टूर करवाएंगे अंदर का थोड़ा कैसा है। और इधर है मेरे कपड़े, ये इसका इसका तो ठीक ठाक है अभी, तो गुरमन का भी सेट करने वाला है। एक बार थोड़ी झलक, थोड़ी सी झलक, टाइम खत्म। और अब ऊपर देखो, अब देखो ऊपर, तो इसके कलर की थीम थी व्हाइट और पर्पल, और रूम है व्हाइट और पर्पल, और इसने ड्रेस भी ऐसे दिखाओ ना, अच्छा लाइट्स दिखाओ, तो ये इसने लगा रखी है एलईडी लाइट भी, ठीक है अकॉर्डिंग टू व्हाइट कलर, हाँ व्हाइट कलर। और ये रहा मेरा, ये रहा इसका बैग, ये भी गोल्डन टच में आ रहा, ब्राउनिश गोल्डन टच में, तो बाय गाइस। एसी चल रहा है और इस रूम में तो सुस्ती से आ जाती है। इधर है मेरा, ये रहा इसका हैंड टॉवल, पहले वो दिखा, वो भी पर्पल रहा, और मैं मुंह भी पहुंचूंगा, हाथ भी पहुंचूंगा। और हाँ, एक थीम से अलग हो गया मेरा ब्लैक चेयर, ये अगर मुझे पर्पल मिलती या व्हाइट मिलती मैं वो उठाती, तो थोड़ी है भी थोड़ी, पहले हमने ली थी 1 साल पहले, हाँ, और इस, ये स्टडी, हाँ ये स्टडी टेबल भी 1 साल पहले था, और इसको मैं ऑर्गेनाइज करने की वीडियो उस रूम की आई हुई है, पर इस रूम की नहीं डाली। और तो इसमें थोड़ा ग्रे आ गया, गोल्डन टच भी आ रहा है, बाकी ग्रे आ गया, तो ग्रे भी थोड़ा रूम में टच है, बेडशीट और इसकी कंबल रजाई का, तो ये इसने कुछ मेरी बुक्स पड़ी है, बुक्स इधर, मेरे जर्नल डायरी और कलर्स शार्पनर वगैरह, और फिर है इधर मेरे मार्कर्स, इधर मेरे ये भी कुछ दिन पहले लिया पर्पल स्टैंड के, इसका रूम बिल्कुल ही व्हाइट पर्पल हमने बनाना है, और थोड़ा थोड़ा करके जैसे जैसे जो चीज मिलेगी। और इधर है मेरे मतलब एसी का रिमोट हो गया, कवर हो गया, और ये बोतल है, इसमें भी थोड़ा ब्लू बट टच आ रहा है, और ये रहा छोटा सा मिनी मिनी क्यूट सा, तो ये रही इसकी लाइट, क्योंकि मैं रात परेशान हो जाती हूँ ये लाइट जगा के, थोड़ा काम करती हूँ 10-11 बजे तक। मम्मी कहती थी इधर दिखाओ, मम्मी कहती थी जब कमरा बन जाएगा तुम दोनों बहनें अकेली सोना करना, मम्मी यहीं सोती है। नहीं भी बच्चों के साथ ही आप डर जाओगे। और ये फिलिप्स की,
तो बहुत बढ़िया रोशनी है इसकी, बहुत ज्यादा मतलब पूरे कमरे में। हाँ और फिर है इधर मैंने कुछ प्रिंट आउट निकलवा के यहाँ लगाए हुए हैं। और देखो ये जी का मतलब गुरमन, ए का मतलब अर्पण, 27 हमारी बर्थडे दोनों की, ट्रीट पीपल विद काइंडनेस, डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। और ये बॉय और सेम इसने लगाई है, बाकी फर्क ये है पिंक है वो पर्पल है, और इधर ये बीटीएस की फाइन है वो थोड़ा लगा रखा है। तो तो ये रहा इसका स्टडी टेबल, ये रही इसकी चेयर विद पर्पल, तो अलमीरा भी हो गई, तो इसका ये बीन बैग्स भी हो गया, ये हो गया। तो इधर इसके पीछे ये है मेरे कुछ बैडमिंटन, मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है पर खेलती बहुत कम हूँ। टू पेयर है, एक ऊपर लगा रखा है, किसमें है थोड़े दिन ये खेलने गई थी, बीमार हो गई तो ऐसे ही पड़े अभी अभी थोड़ा। तो ये रहा इसका मैट, ये वुलन का बना हुआ है, ये भी पर्पल है, बहुत सॉफ्ट है, और डेजी उठा के इसको भाग जाती है, डेली बारी नहीं है बिल्कुल हल्का ना, तो वो भाग ही जाती है। और इधर है मेरा ये रही इसकी ग्रे कंबल, ये रहा इसका ग्रैंड बेड। तो ये भाई 6 फीट से भी मतलब 6.5 के करीब है, बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि उनने बोला कि 6 फिट का ही है मैम, 6x6 का, लेकिन जब गद्दे लेने गए ना 6 फिट के लेके आई तो पता चला भी 6.5 के करीब है ये बेड, तो ये काफी बड़ा हो गया। हाँ तो उसके बाद ये ग्रे कलर की चादर भी है, हाँ वो चेंज करूंगी, एक आधे व्लॉग में दिखाएंगे। व्हाइट और पर्पल ही है इसकी थीम, तो कोशिश करूंगी पर्पल पर्पल और व्हाइट गोल्डन इसकी बेडशीट्स और कंबल आए। मेरे बेड से मैचिंग डेजी वाला एक पिलो हो, ये पिलो हो गया डेजी का, और ये बीन बैग्स हो गया, और बेड की बैक होगी ये सेम सेम है। हाँ, और गोल्डन, और इसमें यो पट्टी सी गोल्डन आ रही है वो बेड में सेम आ रही है। ये हार्ट पर्पल कलर का, हाँ ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, ये कुछ दिन पहले हमने वेल्स होटल में था थोड़ा प्रोग्राम, वहां से लाए थे, हमें नहीं पता था सेम सेम सब कुछ मैच हो जाएगा, कई बार कुछ चीजें ऑटोमेटिक ही मैच हो जाती है। और हाँ एसी देखो, एसी भी गोल्ड, एसी मैंने लिया तो वो व्हाइट में, वो भी गोल्डन टच की सेम ही पट्टी आ गई भी जो अलमीरा और बेड में है, कई बार कुदरती ऐसा हो जाता है। और फिर है यहाँ पर मेरे कुछ लीव्स, तो वो उलझी हुई है पंखे से, हाँ ये कॉर्नर दिया हुआ है आर्टिफिशियल लीड का। हाँ तो ये मम्मी मना, मतलब मम्मी मना नहीं कर रही थी पर ना कोई मान नहीं रहा था इसको लगाने को, पर जिद करके लगवा लिए क्योंकि इसमें वो ना गिट्टियां सी लगी है सारी दीवार पे, तो मैं उसके खत्म, ये बहुत पुराना है हमारा, बहुत सॉफ्ट है, तो ये रखा हुआ है ऐसे जैसे दीवार के साथ फोन चार्ज लगाया बैठने के लिए, तो ये पीछे बैक में भी काम आता है चेयर पे। और ये देखो गाइस एक फोटो ना एक्स्ट्रा यहाँ पर आ गई थी, तो फिर वो मैंने ये सेम इसने पर्पल ही वो लगा रखी है, तेरी तरह पर्पल ही ड्रेस है, तो इधर वो एलईडी लाइट ना हमारी बच गई, तो ये वो भैया बोले हम कट कर दें, तो मैंने कहा नहीं भी कट नहीं करना इसको, तो मैंने वो नीचे को लेके आई और टेबल के पीछे घुमा दी, और नीचे से देखो ये देखो इधर मस्त लग रही है ये चीज, अगर कट करवा देते तो वेस्ट जानी थी। हाँ, तो और बस इतना सा छुटकू था मेरा कमरा, है तो छोटा सा बाकी क्यूट लगता है अभी। हाँ, तो कमरे इसने ना व्हाइट बेड लेना था, व्हाइट ही बेड बहुत प्यारा लगना था वो भी, तो वो ना हमें मिला नहीं, मैंने पूरी मार्केट घूमी है और तो पहले ना पसंद नहीं आ रहा था। स्टोरी बताती, पहले हमने ग्रे कलर का बेड लिया था जो सब ट्रेंडिंग में नहीं है, ऐसे 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 कोई मजा नहीं आना था देखना, अभी ये तेरे रूम थी मम्मी, सुनो बात सुनो। तो ना मैंने जब वहाँ देखा ना हम दोनों ने, वहां पर तो बहुत गंदा सा बेड मतलब गंदा सा था, और वो कहता कि वैक्यूम होगा, तो हमने कहा ठीक है वैक्यूम करके घर पे भेजा देना। हम घर पे लेके आए तो देखा तो वो सारा गंदा था, साफ ही जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। अभी इसका ये टच गोल्डन बढ़िया आ रहा है, तो मेरे को ज्यादा मजा तो आता अगर इसको ना व्हाइट मिलता बेड, तो व्हाइट बनाने को मैं सनमाइका का बनवा लेती तो तब जल्दी होती है, बच्चे को भी मेरा बेडरूम जल्दी तैयार हो जाए, जल्दी आ जाए सब कुछ, तो इसीलिए जल्दी में ले लिया, बाकी बहुत अच्छा लग रहा है ये भी, मैचिंग हो रही है। 10 में से कितने मार्क्स होंगे कमेंट में बता देना और लाइक करना, तो बाकी जो हमने आगे का बनाया है किचन का जो पेंट है जो भी हमने थोड़ा तैयार करवाया ना, तो आगे किचन का टूर मम्मी करेगी व्लॉग में, आगे वाले व्लॉग में दिखाते हैं हम आपको, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना अगर चैनल पे नहीं हो तो। चलो गाइस मैं सो रही हूँ, बाय।